छत्तीसगढ़ के सुकमा में सोमवार को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 26 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। जवानों में 5 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सुकमा के चिंता गुफा के बुरकापाल में सोमवार को करीब 300 नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। सीआरपीएफ के ये जवान सुबह गश्त पर निकले थे। सभी जवान सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन के थे। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए जवानों को निशाना बनाया। हमले के बाद नक्सली जवानों का हथियार भी लूट कर ले गए। घटना दोपहर 1:30 बजे की है। गंभीर रूप से घायल जवानों को रायपुर भेजा गया है। लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। घटना के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। माओवादियों ने एम्बुश लगाया बुरकापाल से चिंता गुफा के बीच, जहां दोनों तरफ जवानों की टोली रोड से 50 मीटर दूर चल रही थी। एक तरफ इनके एम्बुश में जवान आए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे मैं एक चुनौती भी मानता हूँ। और वैसे मैंने अपने गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर को कहा है तुरंत छत्तीसगढ़ पहुँचने के लिए। गृह मंत्रालय ने भी हालात की समीक्षा के लिए आपात बैठक बुलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।